अब बात महंगाई की। चुनाव के बाद से लगातार महंगाई का बम फूट रहा है और इस बार महंगाई ने सीटी मार अटैक किया है। दरअसल सरकारी सवारी भी अब जनता की जेब पर भारी पड़ने लगी है। ये टोल टैक्स बढ़ने का असर है तो बस की सवारियों पर भी ये पड़ा है। यूपी रोडवेज का किराया 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ा है और परिवहन मंत्री का कहना है इन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं। रही बात आम लोगों की, पूछे ही मत। सरकारी सवारी पर महंगाई भारी। पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे, सीएनजी पीएनजी महंगी हुई, टोल महंगा हुआ, तो अब इसका असर कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई की एक और किस्त यात्रियों को मिली है। रोडवेज बस में अब सफर करना महंगा हो जाएगा क्योंकि टोल टैक्स बढ़ गया है। रोडवेज के भी बढ़ गए दाम, महंगाई छू रही आसमान। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। महंगाई झटके पर झटके दे रही है, कभी तेल तो कभी सब्जी, कभी गैस तो कभी किराया। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का ब्रेक ऐसा फेल हुआ है कि समझ नहीं आ रहा परेशान आदमी को राहत की सांस कब मिलेगी। बेपटरी हो चुकी महंगाई का असर सरकारी सिस्टम पर भी कहर बनकर टूटा है। यूपी में रोडवेज को भी किराया बढ़ाना पड़ गया। ज्यादातर रूटों पर चलने वाली बस का किराया 1 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ गया है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे, सीएनजी पीएनजी महंगी हुई, टोल महंगा हुआ, तो अब इसका असर कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। सरकारी व्यवस्था भी अब महंगाई का शिकार हो रही है। अगर हम कहें कि महंगाई का ब्रेक फेल हो गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टोल महंगा होने के बाद अब परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज की ये बसें हैं इनके किराए को बढ़ा दिया है। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक अब बस का सफर जो है वो महंगा हो गया है। चाहे परिवहन निगम की साधारण बस हो या फिर एसी बसें, सभी के किराए में बढ़ोतरी हुई है। ये असर टोल टैक्स बढ़ने के बाद से हुआ। बस में अब सफर करना महंगा हो जाएगा क्योंकि टोल टैक्स बढ़ गया है। लखनऊ से अगर दिल्ली तक का सफर आपको करना है तो 20 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। लखनऊ के लिए 1 रुपए ज्यादा चुकाना होगा और अगर दिल्ली जाते हैं तो 20 रुपए, और झांसी अगर जा रहे हैं तो 11 रुपए ज्यादा आपको चुकाने होंगे। यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी राहुल गुर्जर। राहुल जी कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ उरई। उरई जा रहे हैं, तो कितना किराया आपको पड़ रहा है? अब 161 का सुबह में जब आया 161 रुपए का टिकट कटा था। दाम बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल बढ़े हैं। अच्छा, तो महंगाई परेशान तो कर ही रही होगी? हर चीज में परेशान कर रही है, पेट्रोल में डीजल में, किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, हर किसी को दिक्कत हो रही है। कुछ आप भी बता रहे हैं, मतलब 11 रुपए बढ़े हैं ना। हाँ। अभी तो देंगे, और क्या जाना है तो देना ही पड़ेगा। कितना किराया दे रहे हैं? 311। महंगाई है कि लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। यूपी का कोई भी शहर हो, महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। कानपुर से लखनऊ तक के किराए में 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर से झांसी का किराया 301 रुपए से बढ़कर 312 रुपए हो गया और कानपुर से उरई का किराया 57 से बढ़कर 61 रुपए हो गया। मेरठ वाले पहले दिल्ली 90 रुपए में पहुंच जाते थे, अब 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। जिस सफर में टोल ज्यादा है वहाँ जनता पर बोझ भी ज्यादा पड़ रहा है। मेरठ से यदि आप रोडवेज बस से नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से वापस आ रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसा इस वजह से हुआ है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस पर होते हुए जो भी रोडवेज बसें जा रही हैं उन्होंने अपने किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर ली है, चूँकि वहाँ पर टोल भी शुरू हो गया है और इसी के साथ ही टोल के जो दरें हैं उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या ये बढ़ोतरी की गई है, किस तरीके से परेशानी है, पहले हम यहाँ जो परिचालक है उनसे बात कर लेते हैं और बढ़े हुए किराए पर जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। राहुल यादव। आप पहले कितना नोएडा का किराया ले रहे थे? पहले 90 रुपए। 90 रुपए जी सर। अब 100 रुपए हो गया। अब 100 रुपए हो गया जी। 10 रुपए 10 रुपए बढ़े। अच्छा, किस वजह से बढ़ाए गए हैं ये? टोल चालू होने की वजह से। अच्छा जी, टोल की वजह से। टोल की वजह से यात्री बढ़े हुए किराए की पर्ची कटवा रहे हैं, लेकिन
जब रोडवेज के महंगे सफर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल हुआ तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। महंगाई के सवाल को वो गोल कर गए और सिस्टम में सुधार की दलील देने लगे। हाँ, अभी तो कोई किराया नहीं बढ़ा है, अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। आप ये देखिए कि जब 60 रुपया लीटर डीजल था तब जो है बसों के जो किराए थे वही आज भी उतने ही किराया है, लेकिन अभी परिवहन निगम ने कोई अभी बढ़ाया नहीं है। आम आदमी करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रहना तो इसी सिस्टम में है और ना सिर्फ रहना है बल्कि इसी तरह महंगाई का सामना भी करना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।